फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पापड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे हम चाट पापड़ी बनाते हैं। इसे हम घर पे बिल्कुल बाजार जैसे स्वाद में बना के तैयार करेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही चटपटा लगता है। इसे आप घर के लिए तो बनाते ही हैं, कभी भी आप किटी पार्टी रखिए या बच्चों की बर्थडे पार्टी रखिए, इसे बनाना बहुत आसान है और सभी इसे पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पापड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक ट्रे लेंगे और उस पर एक झरनी रख के मैदे को छान लेंगे। तो यहाँ पे हम एक कटोरी मैदे की पापड़ी बना रहे हैं, तो इसे हम छान लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं ये फ्रेश मैदा तैयार हो गया। अब हम इसमें 2 छोटा चम्मच तेल डालेंगे। स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे, तो यहाँ पे हम 1 छोटा चम्मच नमक डाल रहे हैं। 1 चम्मच हमने अजवाइन लिया है। अब हम अजवाइन को हथेली पे ऐसे क्रश कर लेंगे। क्रश किया हुआ अजवाइन का फ्लेवर अच्छा आता है चाट पापड़ी में, इसे डाल लेंगे। अब हम हथेली से इसे अच्छे से मैसेंगे, यानी कि तेल मैदे के साथ अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो हम अच्छे से ऐसे मैश लेंगे। आप देख सकते हैं हमने तेल को अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लिया है, तो इसकी ये पहचान है। हम मुट्ठी बांधे तो मैदा अच्छे से बंध जाता है। अब हम इसे पानी डाल के एक शक डो बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है हमें, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। और हमें डो चाहिए शक, यानी कि हार्ड डो चाहिए। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी का ऐसे छिड़काव करके डो तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने हार्ड डो तैयार कर लिया है, ये जल्दी अंगुली अंदर नहीं जा रहा है। ऐसे ही हमें पापड़ी के लिए डो चाहिए। अब हम इसे कवर करके और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। फिर हम इसकी पापड़ी बना के दिखाएंगे आपको। डो अपना सेट हो चुका है, चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो डो को हम फिर से एक बार ऐसे मसल लेंगे अच्छे से। डो को हमने एक बार फिर से मसल लिया। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपनी पापड़ी का डो तैयार हुआ है। अब हम इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। तो ऐसे हम 2 टुकड़े करेंगे और इसके बॉल्स बना लेंगे, बिल्कुल जैसे हम पूड़ी का या पराठा का लोई तैयार करते हैं, उसे हम इसका ये बॉल बना लेंगे। हमने दोनों लोई तैयार कर लिए हैं। अब चलिए हम इसको बेल लेते हैं। हमने रोटी बेलने वाला चकला लिया है, इसको हल्का सा तेल से हम ऐसे ग्रीस कर लेंगे। बेलन को भी हल्का सा हम तेल लगा लेंगे और इस पे हम ये पापड़ी का डो रखेंगे। इसको हमें एकदम रोटी के जैसे बड़ा सा बेल लेना है। हमने इसे बड़ा साइज में बेल लिया है, तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। ऐसे ही हमें पापड़ी के लिए बेलना है, बड़ा सा पूरा बेल देना है। आप चाहे तो इसे प्लेटफॉर्म पे भी बेल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे एक फूक की मदद से होल करेंगे। इससे क्या होता है, अपनी पापड़ी जो है वो फूलती नहीं है। तो हमें अच्छे से गोंद लेना है कांटे की मदद से। हमने अच्छे से इसे फूक की मदद से गोंद लिया है। अब हम एक कटर लेंगे, या तो आपके पास कोई छोटी सी कटोरी का हो, ढक्कन हो, या कोई भी रिंग कटर हो, यानी कि एक छोटी साइज की कटर होनी चाहिए। इससे हम ऐसे दबाते हुए पापड़ी काट लेंगे। ज़्यादा बड़ी साइज की नहीं बनानी होती है पापड़ी, इसकी एकदम छोटी छोटी साइज होनी चाहिए। तो एक बार में ये 8 से 10-15 आराम से बन जाते हैं।
आप देख सकते हैं हमने इसमें कितने सारे पापड़ी बना लिए हैं। अब हम ये डो को ऐसे साइड से निकाल लेंगे और पापड़ी को अलग कर लेंगे। अच्छे से नीचे कटा लेंगे, ऐसे हम एक्स्ट्रा डो निकाल लेंगे और इसकी लोई करके फिर से हम पापड़ी बना लेंगे। तो ढेर सारी पापड़ी हम बना सकते हैं इतना ही डो से। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। तेल गरम होने के लिए रख लिया है, तेल अच्छा खासा गरम हो चुका है। तेल को सबसे पहले हमें गरम कर लेना है, फिर फ्लेम को हमें स्लो कर लेना है, क्योंकि तेज फ्लेम पे हम पापड़ी कभी फ्राई नहीं करते हैं, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा और नीचे से क्रिस्पी नहीं होगा। तो हमने गैस को मीडियम करके और एक एक पापड़ी इसमें छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं एक बार में जितनी पापड़ी आ सकेगी हम इसमें डाल देंगे। एक साइड में हम 2-3 मिनट तक सीखने के बाद इसे उलट उलट के क्रिस्पी होने तक सीखेंगे। ऐसे हम इसको उलट देंगे और दोनों साइड से करारे होने तक सीखेंगे। तो चलिए हम दूसरा बैच ट्राई कर लेते हैं। दूसरा बैच में थोड़ा सा छोटा साइज का कटिंग करी हूँ, आपको जैसा पसंद हो बड़ा साइज छोटा साइज वैसा पापड़ी बनाइए। तो हम ये छोटा साइज वाला फ्राई कर रहे हैं गैस को सेम मीडियम फ्लेम पे करके, और एक बैच में जितना पापड़ी आ सके उतना मैं छोड़ दूंगी। अब इसे हम 8 से 10 मिनट तक उलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। आप देख सकते हैं हमने 8 से 10 मिनट तक पापड़ी को दोनों साइड से उलट पलट के सेक लिया है। तो ये पापड़ी का आप कलर देखिए, ठंडा होने पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूंगी कितना क्रिस्पी हुआ है। तो ये अपना परफेक्ट पापड़ी तैयार हुआ। और सेम प्रोसेस से हम सभी डो का पापड़ी बना के तैयार कर लेंगे। चलिए हम पापड़ी चाट बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले एक प्लेट लेंगे और इसमें घर की बनी हुई ये पापड़ी सबसे पहले रखेंगे। तो जितना पापड़ी आपको बनाना है उतना प्लेट में रख लीजिए, हम तो 5 पापड़ी का बना रहे हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा आलू जिसे हमने उबाल के छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ रखा है, ये अपने पसंद के अनुसार डालिए थोड़ा कम ज्यादा। अब हम इसके साथ डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरी मिर्च जिसे हमने बारीक काट लिया है। तो ये चटपटा बनाने के लिए मिर्च डाला जाता है, आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दीजिए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे दही, क्योंकि ये दही पापड़ी चाट है, दही गाढ़ी होनी चाहिए। दही में हल्का सा शक्कर डाल के फेंट लेना है और पापड़ी के ऊपर हम ऐसे दही डालेंगे। ये बहुत ही टेस्टी चाट तैयार होता है। तो हमने दही डाल लिया, अब हम इसमें चटनी डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हरा धनिया की चटनी डालेंगे, अब हम इसमें इमली की चटनी डालेंगे। तो आप अपने स्वाद के अनुसार खट्टी मीठी इमली की चटनी डालिए। ये सारे रेसिपी हमारे चैनल पे हैं, आपको देखना है तो मेरे चैनल में देख सकते हैं। अब हम डालेंगे इस पे नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि पापड़ी में भी हम नमक डाल के ही बनाते हैं और चटनी में भी नमक रहता है, तो सब समझ के हमें नमक डालना है। अब हम
हम थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, ज्यादा तीखा है तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, कम तो कम कर लीजिए। थोड़ा सा हम भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, और सबसे लास्ट में हम चाट बना रहे हैं पापड़ी चाट, तो इस पे चाट मसाला डालेंगे, इससे बहुत ही ये चटपटा हो जाता है। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा सेव, इससे स्वाद बढ़ जाता है और देखने में भी सुंदर लगता है। और फाइनली हम हरा धनिया से इसे सजा देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया पापड़ी चाट बनाना कितना आसान है और खाने में तो ये लाजवाब होता है। तो इस रेसिपी के आप भी जरूर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।